नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। नई अड़ी जनपद पंचायत के भीड़ हायर सेकेंडरी नवनिर्मित भवन को भ्रष्टाचारियों की नजर लगी है। यहां करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाले हायर सेकेंडरी विद्यालय में भ्रष्टाचारियों की नजर लग गई। विद्यालय में दूसरे मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार ने घटिया मटेरियल का उपयोग कर छत डाल दिया। छत में सफेद गिट्टी और डस्ट का उपयोग किया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने गहरी आपत्ति दर्ज कराई और चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय का छत कभी भी गिर सकता है। पूरे मामले की भ्रष्टाचार की जानकारी जिला पंचायत सदस्य अच्छेलाल साकेत को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अच्छेलाल साकेत ने बताया कि पूरे मामले से जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को अवगत कराया जाएगा और संबंधित दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे दोबारा ऐसा घटिया निर्माण कार्य ना कर सके। नए नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं और संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी होती रहती है। इसके बाद भी भ्रष्टाचारी ठेकेदारों एवं इनके संरक्षण प्राप्त लोगों के हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि विद्यालय जैसे भवन जिनमें हजारों बच्चों के बैठने की व्यवस्था होती है, उसका घटिया मटेरियल उपयोग कर निर्माण कार्य कराने में इनको डर नहीं लगता है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में ठेकेदार के ऊपर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। जैसे ही यहाँ पे मैं देखने आया तो पता चला कि सफ़ेद गिट्टी डालकर सेकंड फ्लोर का छत बनाया जा रहा है, और यहाँ पर आकर जब पता किया तो ना तो कोई ठेकेदार यहाँ पर दिखे, ना तो कोई इंजीनियर, और कोई मतलब बता भी नहीं रहा है कि निर्माण कौन करा रहा है। बहुत मुश्किल से पता चली कि सतना के कोई ठेकेदार हैं, काम करवा रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय से ये चाहता हूँ कि इस काम को रोका जाए और सही तरीके से काम किया जाए। की लागत से बनने वाले इस भवन को अब आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार बनाया जा रहा है। घटिया सामग्री से निर्माण कराया जा रहा है। मेरा नाम ब्रजेश प्रताप सिंह और पंपू सिंह है। मैं ग्राम पंचायत पांडे। मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी। मैं ग्राम पंचायत भीर का रहने वाला हूँ। भीर हायर सेकेंडरी में घटिया निर्माण कराया जा रहा है। जो सेकंड फ्लोर की छत है उसको व्हाइट गिट्टी डाली जा रही है, जबकि इसमें ब्लैक होनी चाहिए। और सीमेंट जो पत्थर जैसा जमा है उसको कूच कूच के डाला गया है, और डस्ट है, बालू के स्थान डस्ट चलाया जा रहा है। यहाँ ना कोई इसे श्रीमान कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया जाए, किसकी जांच कराई जाए। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का नाम भी बताने से कतरा रहे हैं यहाँ के जो कर्मचारी। अरुण त्रिपाठी करके सतना के बताते हैं, पूरा बताते भी नहीं, नंबर भी नहीं बता रहे हैं। उनका नंबर भी नहीं मिल रहा है, बता रहे हैं कि अरुण त्रिपाठी सतना के हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं ठेकेदार? कोई नहीं उपस्थित, लेबर के वाले यहाँ काम कर रहे हैं। लेबरों से पूछा गया तो बता बोल रहे हैं कि भाई सीमेंट को हम पूछ पूछ कर इस छत में डाले हैं और सफ़ेद गिट्टी का हमने खड़े हैं। क्या मामला है? मुझे ग्रामीण लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि जो सेकंड फ्लोर हायर सेकेंडरी स्कूल का बन रहा है, ये बहुत घटिया मटेरियल सीमेंट और गिट्टी जो है, बिल्कुल जो रेत से भरी हुई है, ये रेतपूर्ण मटेरियल, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जांच मैं आज स्वयं आकर के देख रहा हूँ कि ये घटिया मटेरियल है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये आए दिन कभी भी गिर सकती है, और इसका जो निर्माण कर रहे हैं जो एजेंसी ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ़ ये कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर के संज्ञान में माननीय अपना जिला से सीओ साहब स्वप्निल वानखेड़े साहब और मैं कलेक्टर महोदय से भी इस विषय में बात करूंगा कि इसकी जांच टीम तैयार करे और जिन लोगों ने इसमें घटिया निर्माण करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि भवन कभी भी गिर सकता है, करोड़ों के लागत से इसको बनना था, इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी? ये ठेकेदार जो मटेरियल जो लोग ठेकेदारी लिए हैं इसकी, ये उन लोगों की कमी है कि इसमें सही मटेरियल नहीं लगा रहे हैं। जब सरकार की संपत्ति करोड़ों रुपए लेते हैं तो उसमें मटेरियल उस हिसाब से लगाना चाहिए जो सरकार के गाइडलाइन। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आगे क्या कदम आप उठाएंगे? मैं इस बात को लेकर के अभी बात कर रहा हूँ कि मैं माननीय जिला सीओ साहब से बात करता हूँ थोड़ी देर में, और माननीय कलेक्टर साहब के सभी संज्ञान में मैं इस बात को डालूंगा।
ये इस तरह से जो ठेकेदारी किए हैं। ऐसे बहुत सारे कई प्रकरण जो हमारे बीच में संज्ञान में आए हैं, हमने समय समय पर जिला सीओ से बात करके बहुत सारे लोगों का काम जो है देखा है कि प्रभावित हुआ है, गलत तरीके से किए हैं। जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर भी नियुक्त होते हैं उसकी निगरानी करने के लिए जी, फिर ये कैसे घटिया कार्य हो रहा है? उनके भी खिलाफ़ कार्रवाई होगी, जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे वो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब जांच टीम खड़ी होगी, माननीय जिला सीओ साहब या कलेक्टर साहब जब महोदय इस पर संज्ञान लेंगे तो अपने आप जो भी लोग दोषी होंगे वो सब उस कटघरे में आ जाएंगे। क्या किस पद पर पदस्थ हैं, क्या नाम? मैं जिला पंचायत सदस्य अच्छेलाल साके रीवा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।